तुमसे नहीं आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी, मैं नहीं आऊंगा। साल 2003 की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट किया था एक्टर सतीश कौशिक ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी तमिल फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें इंडस्ट्री में बाला कहकर बुलाया जाता है। दरअसल तेरे नाम ये फिल्म 1999 में आई तमिल फिल्म सेतु की रीमेक है, जिसकी कहानी लिखने का और डायरेक्शन का जिम्मा उठाया था बाला सुब्रमण्यम ने। और तेरे नाम की कहानी भी बाला सुब्रमण्यम ने ही लिखी थी। पर आपको क्या लगता है, क्या तेरे नाम जैसी कहानी एक सच्ची कहानी हो सकती है? इतना साइको अवतार असल जिंदगी में देखने को मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये बाला सुब्रमण्यम के एक दोस्त की कहानी है जिससे ये फिल्म इंस्पायर्ड है, और इस फिल्म का हिस्सा बने सलमान खान। पर इसके पीछे भी एक कहानी है। सलमान जो आज स्ट्रगलर्स को लॉन्च करते हैं, खुद की फिल्मों में रोल्स देते हैं, उन्हें ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं मिली। वो इस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थे। पहले तो ये फिल्म ऑफर हुई थी एक्टर संजय कपूर को, पर जब उन्होंने इनकार कर दिया तब अजय देवगन को ये ऑफर दिया गया, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर जाकर इस फिल्म के डायरेक्टर सतीश कौशिक ने कहने पर सलमान खान को राधे का रोल ऑफर किया गया। पर अनोखी बात ये है कि इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट तो किया, पर फिल्म रिलीज के बाद उन्हें ऐसा लगा कि राधे का किरदार काफी ज्यादा वायलेंट है। सोसाइटी में अगर ऐसा पागलपन लेकर लोग घूमने लगे तो ये उनकी और बाकी लोगों की जिंदगी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। उनका कहना था कि कैरेक्टर की पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ग्रे शेड्स में दिखाते वक्त काफी ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, पर उन्हें ऐसा लगता है कि तेरे नाम का राधे और कबीर सिंह का कबीर, ये दोनों भी काफी ज्यादा जानलेवा किरदार है। वैसे कबीर सिंह में शाहिद कपूर का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था, और साथ ही फिल्म तेरे नाम का एंडिंग भी काफी दर्दनाक था, जो ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा भी उनका मानना है। जो भी हो, पर सलमान खान का निभाया हुआ राधे ऑडियंस को इम्प्रेस जरूर कर गया। इस फिल्म के बाद सलमान को काफी अच्छे मौके मिले अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए, और फिल्म की कामयाबी की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, जैसे आईफा, स्टार स्क्रीन और फिल्म फेयर। जैसे तेरे नाम में सलमान खान के ऑपोजिट एक्ट्रेस भूमिका चावला को हमने देखा, पर वो भी इस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थी। अब वो कौन सी एक्ट्रेस थी, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।